वेलकम बैक टू आर न्यू रेसिपी। आज बहुत ही टेस्टी सा क्रिस्पी सा ये बैगन के चटपटे पकोड़े बना लेते हैं। हम नॉर्मल पकोड़े जो बनाते हैं ना बैगन के, उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बैगन लिया, इसे अच्छी तरह से मैंने धुल लिया था। उसके बाद इसे पतली पतली पीसेज में कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे शेप में भी कट कर सकते हैं। आप इसको हाफ हाफ करने के बाद भी इस तरह से ऊपर से गोलाई में भी कट कर सकते हैं, या तो आप अगर चाहें तो इसे सिर्फ पतली पतली पीसेज में भी इस तरह से कट कर सकते हैं बिना हाफ हाफ किए हुए। तो देखिए मैंने इस तरह से पूरे बैगन को अच्छी तरह से कट कर लिया है, बिल्कुल पतली पतली पीसेज में। अब एक मसाला बनाते हैं। एक प्लेट में आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ लिया है नॉर्मल वाला नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, एक चम्मच मैंने यहाँ हल्दी ली है, एक चुटकी हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिल्ली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि किसी भी मसाले की गुठलियाँ ना रहें, आपस में एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाए मसाले। उसके बाद हम इस क्या करेंगे, जो हमने बैगन कट करके रखे हुए थे हल्का हल्का सा इन मसालों में हमें कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें कोट नहीं करना है, बस इस तरह से रखेंगे दूसरी दोनों तरफ से और इसे रख देंगे एक प्लेट में। सारे बैगन को हमें इसी तरह से कोट कर लेना है। जब हम नॉर्मल वाले बैगन के पकौड़े बनाते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा फीके फीके लगते हैं, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो अंदर से और ऊपर से दोनों जगह से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से ये हमारे पकौड़े बन के रेडी होंगे। देखिए बैगन रेडी हो चुका है। अब इसकी कोटिंग के लिए हम बेसन को घोल लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी पकोड़ा प्रीमिक्स लिया है, जिसे मैंने पहले भी बना के रख दिया था। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। ये पकोड़ा प्रीमिक्स है, इसे बना के रख देंगे और उसके बाद जब भी ज़रूरत हो तो इस तरह से पानी में घोल के आप पकोड़ा वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे मसाले डाले हैं, जैसे कि इसमें मैंने ऐड किया है बेसन, नमक, काला नमक, ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई मिर्च और उसके बाद कस्तूरी मेथी और लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक बॉक्स में एक डब्बे में भर के रख लिया है। जब भी आपको पकोड़ा बनाना हो तो आप इसके इसे निकालें और इस तरह से जैसे मैंने निकाला है और सिर्फ इसे पानी डाल के अच्छे से घोल लिया है तो बहुत ज़्यादा ही आपको सहूलत हो जाती है। ख़ास तौर से रमज़ान में इस तरह से आप पकोड़ा प्रीमिक्स बना के रख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि अक्सर रमज़ान में हम पकोड़े वगैरह बनाते ही रहते हैं बेसन के। तो देखिए बस अब हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे हमने तेल को गर्म किया है। अब एक एक उठाते जाएंगे मसालेदार हमारा बैगन जो हमने कोट किया था मसाले में, और उसको डिप करते जाएंगे अपने बेसन के घोल में यानी पकोड़े के घोल में, और उसे इस तरह से एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पे हम डालते जाएंगे अपने गर्मा गर्म तेल में। तो देखिए एक एक पकोड़े जो हमारे अच्छे से ऊपर होते जा रहे हैं। इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो बैगन के अंदर वो भी बाहर आ जाए, और इस तरह से हमारे जो कुरकुरे जो पकोड़े होते हैं ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक कुरकुरे होते हैं। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब आप बैगन के पकोड़े बना रहे हो तो जब दोनों तरफ से कलर अच्छा सा आ जाए तो एक बार इसे हल्के से चम्मच से इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि अंदर का जो पानी उसका है वो बाहर आ जाए और कुरकुरे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत देर तक कुरकुरे रहें, वरना बैगन के पकोड़े थोड़ी देर के बाद अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने एक बैच निकाल लिया, अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह डाल देते हैं और सभी पकौड़े को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने बहुत सारे पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की है इफ्तार के वक्त। अब हम चाहते हैं कि हमें कुछ अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ मिले, तो मैं आपको कोशिश करूंगी रोज़ एक रेसिपी देने की ताकि आप इसे आराम से बनाते रहें। ये नॉर्मली बैगन के पकोड़ों की तरह ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, इसे बनाना बहुत ईजी है, कोई आपकी टाइमिंग नहीं लगती। बस एक प्लेट में आपको थोड़े मसाले मिक्स करने हैं, उसके बाद अपने बैगन को उसमें हल्का हल्का सा कोट करना है और जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह बना लेना है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर पकोड़े बना के देखिएगा बैगन के और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इफ्तार में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ये भी बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप दें।